अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे वो तमाम दोस्त अब जो ओमान से बाहर हैं, उनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और वो वापस ओमान आना चाहते हैं, उनको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक तो ई वीज़ा पेज है, दूसरा भी आरओपी से ही आपने टेस्ट करवाना है, लेकिन कंपनी एक लेटर लिखेगी जिसमें मैंशन होगा कि इन दोस्त अब आपको जो भी आपकी डिटेल है, पासपोर्ट नंबर होगा, नाम होगा, दीगर तफसीलात, कि इनको ओमान से बाहर 6 महीने हो चुके हैं, लिहाजा ओमान आने की इजाज़त दी जाए। वो लेटर जो है वो आप सैंपल देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो लेटर और ई वीज़ा पेज, ई वीज़ा पेपर और ये लेटर लेके आप ओमान वापस आ सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी 14 दिन है, यानी लेटर साइन होने के बाद जब आरओपी इसको टेस्ट कर देगी, वेरीफाई कर देगी, उसके बाद 14 दिन में आपने ओमान में इंटर होना है, जिनको ओमान से बाहर 6 महीने हो चुके हैं। बाकी ट्रैवलिंग के हवाले से कवानीन आपको पता ही है कि जिनको अप्रूव वैक्सीन के 2 डोज लगी हैं, वो मुल्क से कोरोना का टेस्ट करवाएंगे और मुल्क से ही आपने सारा कुछ जो है रजिस्ट्रेशन कर लेनी है इमिग्रेशन के ऊपर। और ओमान आने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर ना तो आपका कोरोना का टेस्ट होगा, ना ही फिर आपको क्वारंटाइन करना होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन बाहर जो शेयर की जा चुकी है और फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन मजीद भी शेयर करते रहेंगे। तो जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, उनको दिए 2 पेपर चाहिए, और साइन होने के बाद, पेपर मिलने के बाद आपके पास 14 दिन होंगे, आपको 14 दिन में ओमान में इंटर होना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज ग्रीटिंग्स तो जुमे की हुई नहीं, यानी हो प्लीज़ माजरत के वहाँ बाद में बोल रहे हैं। आज 10 सितंबर है और जुमे का दिन है, तमाम दोस्तों आपको जुमा मुबारक, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।